दो मासूम बच्चों की हत्या के बाद हिंसा भड़क उठी। गुस्से में भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों की पुलिस से नोकझोंक शुरू हो गई। नारेबाजी होने लगी। हत्याकांड के बाद गुस्सा ऐसा फूटा कि नाराज लोग सड़कों पर उतर गए। दुकानों में तोड़फोड़ भी की और पुलिस के सामने ही आगजनी होने लगी। हिंसा की ये तस्वीरें यूपी के बदायूं की हैं। महामंडी समिति चौकी के पास बाबा कॉलोनी में साजिद नाम के युवक ने दो बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। दोनों बच्चे सगे भाई थे। जानकारी के मुताबिक आरोपी साजिद का बच्चे के पिता विनोद कुमार से कोई विवाद था। वो बीती रात विनोद के घर पहुंचा। वहां उसने चाय पीने के बाद कही, तभी मौका देखकर साजिद ने विनोद के तीन बच्चों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में 13 साल के और 7 साल के दो बच्चों की मौत हो गई। तीसरे बच्चे को भी चोट आई है। तो दो बच्चों को काट दिया, दो को काट दिया, तीसरे को मारना चाह तो हमें भी काट देता सबको। तो क्या घर में आया था आपकी? घर में तो आया, बताना नहीं मैं पड़ोस में। खबर मिली तो बवाल शुरू हो गया। लोगों का गुस्सा फूटा। पुलिस भी एक्शन में आई। आरोपी साजिद का पीछा किया और मर्डर के कुछ ही देर के बाद उसे एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया। एक व्यक्ति द्वारा जो दो बच्चों की निशंस हत्या कर दी गई और एक बच्चे को बच्चा घायल है, उसको लेकर के यहाँ पर हम लोग आए हैं। पुलिस बल चार सतर्क लगा हुआ है और अभियुक्त कार्रवाई की जा रही है और उसको जो है यहाँ पर शांतिपूर्ण बनाने के लिए सभी लोगों को सजा बुझाया जा रहा है और परिवार के लोग भी जो की मौजूद है इसे तहरीर लेकर के एफआईआर दर्ज की कार्रवाई की। आरोपी साजिद पास में ही सैलून चलाता था और विनोद के साथ किसी बात को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। शक है कि उसी झगड़े की वजह से साजिद ने विनोद के बच्चे को मार डाला। इस वारदात के बाद हालात ऐसे हो गए कि वहां भारी संख्या में पुलिस बल और आरएएफ के जवानों को तैनात करना पड़ा। तमाम अधिकारी देर तक मौके पर डटे रहे और नाराज भीड़ को समझाने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।